I'm Indian and my friend I'm Gardner. French. Yeah. He's French. So you follow cricket, you are from France and you follow cricket? Yeah. Who is your favorite player? Virat Kohli. Oh my god. I'm from Malaysia, Adi, and yeah. फेवरेट प्लेयर विराट कोहली। पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन ऐसा है इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम में जो विराट कोहली का जो स्ट्रेट छक्का था में भाई जान दुनिया में कोई नहीं दुनिया में कोई दुनिया में कोई नहीं अलेक्जेंड्रा फ्रॉम पेरिस सो फर्स्ट वन इज और आज जब हम अंदर आए तो थोड़ा कंफ्यूजन था यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे उनको क्रिकेट का आइडिया नहीं है उन्होंने कभी देखा नहीं है क्रिकेट उनके लिए क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट बेसबॉल है लेकिन ऐसे में भी मैं अंदर जा रहा था और एक पुलिस ऑफिसर एक जो फोटोग्राफर होते हैं या मैच में ऑफिशियल फोटोग्राफर्स उनसे पूछते हैं where's Virat Kohli तो वो पॉइंट आउट करके दिखाते हैं he's there and he's like man I want a picture with Virat Kohli yeah who is that take it it's Virat Kohli yeah how did you know that I like cricket no way that's great मैं जान दे दूंगा विराट कोहली के लिए विराट कोहली आए तो सही एक दफा He is one of the best player in this era. Yeah. Who is this? Virat Kohli. Correct. No way. How did you know that? Because I watched a lot of cricket. Who is this? Kohli. Yeah. Virat Kohli kis kis mein number one hai. Cover drive mein bhi number one. Wealth mein bhi number one. Popularity mein bhi number one. Celebrity number one. Instagram ka most follower bhi. यार बाबर आजम ने तो इतना छिका ओवर ड्राइव मारता है यार किसको मारी है पहले ये बताओ जिम्बाब्वे को बांग्लादेश को श्रीलंका को और बताओ ना कहाँ पे किसको मारे एशिया के इन छोटी टीमों को मारा है विराट कोहली बहुत बड़े एक लेजेंड है जय हिंद दोस्तों भारतीय दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली दुनिया भर में अपना परचम फैला रहे हैं और लोग उनसे केवल एक सेल्फी लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो रहे हैं मुझे आप ये बताएं विराट कोहली ने किस टीम को नहीं फेंटा हुआ हर टीम को फेंटा लगाया और भाई हर टीम को ऑस्ट्रेलिया फास्ट क्रिकेट खेलने वाली है उसके बाद इंग्लैंड भी वेस्ट इंडीज भी कौन कौन सी टीम के खिलाफ नहीं बाबर विराट कोहली ने खड़े होकर स्कोर किया बाबर और विराट कोहली में बस पता क्या फर्क है बाबर आज का बच्चा विराट कोहली बहुत पुराना प्लेयर है विराट कोहली ने कौन कौन से बॉलर्स का कैरियर नहीं एंड किया यार बिल्कुल ये खुद देख ले हारिस रऊफ को देख ले तबाह हो गया ना बिल्कुल शाहीन भी तबाह हो गया ना और वो तो शुक्र मैं तो शुक्र मना रहा हूँ कि भाई नसीम शाह भी प्रॉपरली नहीं खेल रहा विराट कोहली के सामने नहीं तो भाई नसीम शाह का भी कैरियर तबाह था विराट कोहली इज नॉट बॉर्न टू मेक रिकॉर्ड्स विराट कोहली इज बॉर्न टू एंड पीपल कैरियर विराट कोहली का देखो करो यार उसने आपने इसकी एक शॉट देखी होगी ना जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा था पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हारिस रऊफ ने बॉल किया तो किस तरह इतना खड़ा होकर उसने छक्का मारा स्ट्रेट छक्का मारा विराट कोहली के बाद ना हर शॉट का ना रिकॉर्ड है ठीक है बाबर आजम के पास क्या है बाबर बाबा जी का ठुल्लू बस यही है दरअसल यह तो आप लोग जानते ही हो कि भारतीय क्रिकेट टीम आज के समय T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गई हुई है और इसीलिए भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े बड़े चेहरे आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिल जाएंगे भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े बड़े चेहरों में से एक नाम विराट कोहली का भी है और विराट कोहली दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक है विराट कोहली कितने ज्यादा लोकप्रिय खिलाड़ी होंगे इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हो कि विराट कोहली की लोकप्रियता उन देशों में भी है जिन देशों के नागरिक क्रिकेट को भी नहीं जानते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी बिल्कुल ऐसे ही देश हैं जो कि पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और आज भी यहां पर रहने वाली ज्यादातर जनसंख्या क्रिकेट को पसंद नहीं करती लेकिन इस सब के बावजूद भी इन देशों में रहने वाली बहुत बड़ी जनसंख्या विराट कोहली को जानती है और कई लोग तो विराट कोहली को फॉलो भी करते हैं अमेरिकन पुलिस डिपार्टमेंट की एक महिला कांस्टेबल जो कि अपनी ड्यूटी कर रही थी और जब उनको विराट कोहली की सुरक्षा करने वाली पुलिस टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला तो उन्होंने विराट कोहली के साथ अपनी सेल्फी ली और बताया कि वह विराट कोहली की बहुत ही बड़ी फैन है महिला कांस्टेबल ने खुद बताया था कि उन्हें क्रिकेट ज्यादा पसंद नहीं है बल्कि वह बास्केटबॉल और फुटबॉल को पसंद करती हैं लेकिन इस सब के बावजूद भी वह विराट की बहुत ही बड़ी फैन है इसी के साथ साथ कुछ विदेशी लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि विराट कोहली के साथ केवल एक सेल्फी लेने के लिए वह लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो सकते हैं तो अब आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हो कि आखिरकार विराट कोहली की लोकप्रियता कितने ज्यादा आगे पहुंच चुकी है मुश्किल मैच थे वो उसने जितवाए हैं ऐसी सूरत हाल जिसमें कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करके गया आप ये देख लें ये लास्ट मैच के अलावा हर मैच में विराट कोहली ने 50 लाजमी बनाई है पाकिस्तान के खिलाफ और आउट भी नहीं होता था पाकिस्तान से तो वो इसलिए वर्ल्ड क्लास है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा अपने मुल्क को जो मैच जितवाए हैं सेंचुरीज भी उनके काफी ज्यादा जी जी बहुत ज्यादा सेंचुरियां 50 सेंचुरियां तकरीबन हो गई हैं वनडे में और वैसे उसके 100 भी होने वाले हैं 73 या 74 सेंचुरियां हो चुकी हैं चलिए मुझे ये
ये बताया कि अगर इसी तरह से हम इंडियन क्रिकेटर्स के फैन होते रहे, वैसे तो उस लड़की को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा, तो अपने खिलाड़ियों का क्या बनेगा? देखें, क्रिटिसाइज ये गलत बात है। क्रिकेट जो है ना एक स्पोर्ट्स है, इसको किसी चीज़ से मुंसलिक नहीं करना चाहिए, ना इसे रिलीजन से, ना किसी कंट्री से, ना नेशन से। अगर कोई खिलाड़ी जैसे हम हैं, अगर हमें वहाँ का बुमराह अच्छा लगता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स मैन को प्रमोट करना चाहिए, स्पोर्ट्स मैन की इज्जत करनी चाहिए। इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि वो दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों को क्या पसंद करता है। जी बिल्कुल सही है सर। अब आप मुझे ये बताएगा अपने खिलाड़ियों के साथ क्या करना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी फैन फॉलोइंग कम हो रही है, बाबर आजम को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्या कहते हैं आप? इवन बाबर आजम के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि इसको घर में बिठा दो, हमारे अपने एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं। यही बात है कि हमारे जो क्रिकेटर है ना, एकदम पूरी टीम जो है खत्म कर दें, इनमें से जो टैलेंटेड लोग हैं ना वो सामने लेके। कल देखे सब एक्सपोज हो गया, यारियाँ दोस्तियाँ जो कल मैं बता रहा था, कल सब कुछ एक्सपोज हो गया, पूरी कौम ने देख लिया कि इनके अंदर कितना टैलेंट है, इसलिए इनको बाहर बिठाने चाहिए। विराट कोहली इज अ ग्लोबल स्पोर्टिंग आइकॉन, और मैं आपको बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। हम नासाउ काउंटी क्रिकेट ग्राउंड पर हैं न्यूयॉर्क में, एंड येट द वन नेम दे नो इज विराट कोहली। इमेजिन एक पुलिस ऑफिसर के घर पर उसके बच्चों ने उसको बोला हुआ कि आप जा रहे हैं क्रिकेट देखने, इंडियन टीम खेल रही है, ना विराट कोहली को देखना, ही इज दैट बिग अ सुपरस्टार दिस कंट्री, एज आई सेड doesn't know much about cricket. सीख रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं, there is interest about cricket here, but I genuinely feel if the game has to go global, it has to be on the shoulders of an icon. And there is no icon like Virat Kohli. आज भी जब वो अंदर आए, just for people wanting photos, of course, जो NRI audiences हैं, जो Indians, Pakistanis, Bangladeshis हैं, वो तो हैं, but भाई गौरों में भी क्रेज है विराट भाई का, ऐसी बात नहीं है। And genuinely, if the game has to go global, it has to be on Virat Kohli's shoulders. और आज जब हम अंदर आए तो थोड़ा confusion था यहाँ पर, जो security officials थे उनको cricket का idea नहीं है, उन्होंने कभी देखा नहीं है cricket, उनके लिए closest substitute baseball है। लेकिन ऐसे में भी मैं अंदर जा रहा था और एक पुलिस ऑफिसर, एक जो फोटोग्राफर होते हैं या मैच में ऑफिशियल फोटोग्राफर्स, उनसे पूछते हैं where's Virat Kohli, तो वो पॉइंट आउट करके दिखाते हैं he's there, and he's like man I want a picture with Virat Kohli, my kids keep talking about him. मोहम्मद हफीज की विकेट भी ली उसने। इंडिया के पास, इंडिया के पास मैच फिनिशर है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। अकेला खड़ा होता है तो जितवा देता है। हम मवाजना तो कर लेते हैं कि विराट कोहली और बाबर आजम बहुत फर्क है, बहुत फर्क, बहुत फर्क, बहुत फर्क है। और रिकॉर्ड बता रहा है, और रिकॉर्ड के साथ का फर्क है, माइंडसेट एंड उसकी हर चीज जीत जीत के लिए, वो जीत का सोच के मुल्क के लिए है। होटल में इंडियन टीम रुकी हुई है, वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत ज्यादा टाइट है, वहाँ पे शायद हम लोग भी, हमें भी एंट्री नहीं मिलेगी उस होटल के अंदर, अगर हमारे पास उसका मतलब हमने कोई रूम नहीं ले रखा होगा तो हमें भी नहीं जाने देंगे वहाँ पे, तो ये है प्रॉब्लम, फैंस को नहीं खड़े होने दिया। अच्छा, लेकिन दोस्त और पूरे स्टेडियम को फेंस किया हुआ है। आज हम स्टेडियम के अंदर जाने की मैं कोशिश कर रहा था तो बहुत मुश्किल से, लगभग मैं 45 मिनट मैंने वॉक की तब जाके स्टेडियम के पास जाके मैं पहुंचा, वो भी मैं अंदर नहीं जा पाया। और जो खबर है मेन चीज, क्या स्नाइपर लगाए जाएंगे इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर। इंडिया और बांग्लादेश का मैच खेला गया, प्रैक्टिस मैच, तो उसमें एक फैन जो था वो अंदर घुस गया ग्राउंड के और उसने रोहित शर्मा से मिलने की कोशिश की। अब आप देखें कि उसको पुलिस ने टैकल कैसे किया, उसको टैकल ऐसे किया कि इज लाइक अ क्रिमिनल, जबकि अगर इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश में अगर कोई फैन आता तो उसको पकड़ के सीधे बाहर ले जाते। इन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिया, उसको लेटा दिया, रोहित शर्मा